नमस्कार, न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, दो कार में सीधी टक्कर, चार घायल, दो की स्थिति गंभीर। देवरी थाना क्षेत्र के गिद्धाटांड के पास बाइक से गिरने से दो व्यक्ति की मौत, एक घायल। पोषण सखी संघ की बैठक, विभिन्न प्रस्तावों पर की गई चर्चा। और गिरिडीह रोटरी क्लब ने शुरू किया प्यार बांटते चलो अभियान, अब गरीब व जरूरतमंदों को मिलेगा 5 रुपए में भोजन। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर बेंगाबाद के समीप NH 114 ए पर तेज रफ्तार कहर के कारण दो चार पहिया वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें चार लोग घायल हो गए हैं, जिसमें दो की हालत गंभीर है। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर दो कार में आमने सामने सीधी टक्कर हो गई। टक्कर में चार व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की स्थिति गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। घटना रविवार दोपहर को NH 114 ए पर स्थित बेंगाबाद के मोहनपुर गांव के समीप की है। बताया जाता है कि एक कार में रिटायर्ड एयरफोर्स के अफसर अपने परिवार के साथ देवघर से धनबाद जा रहे थे। वहीं विपरीत दिशा से रांची से देवघर की ओर आ रही कार से आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे रांची से देवघर जा रहे प्रेम प्रकाश झुंझुनवाला और उनका भतीजा शुभम को गंभीर चोट लगी है। वहीं देवघर से धनबाद जा रहे रिटायर्ड अफसर अजय कुमार सिंह और उनकी बेटी रितिका सिंह को मामूली चोट आई है, जिनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। बताया जाता है कि दोनों कार की तीव्र गति होने के कारण मोहनपुर मोड़ के पास वे अपनी गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाए और दोनों कार की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना के पुलिस अवर निरीक्षक OP चौहान सदल बल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गिरिडीह भेज दिया। देवरी थाना क्षेत्र के गिद्धाटांड के पास शनिवार देर रात बाइक से गिरकर दो व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। देवरी थाना क्षेत्र के गिद्धाटांड के पास शनिवार देर रात को बाइक से गिरकर दो व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान गिद्धाटांड गाँव के ही सुनील विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है। वहीं घायल व्यक्ति की पहचान ओमकार विश्वकर्मा के रूप में हुई। बताया जाता है कि तीनों व्यक्ति अपने रिश्तेदार के घर धनवाड़ थाना क्षेत्र के मसनोडी से लौट रहे थे, तभी गांव के ही पास बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रांची ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग सूरत में रहकर मजदूरी करते थे और लॉकडाउन में घर आए थे। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ने रविवार को प्यार बांटते चलो अभियान की शुरुआत की। नेताजी चौक स्थित रोटरी आई हॉस्पिटल में गरीबों व जरूरतमंदों को अब 5 रुपए में भोजन उपलब्ध होगा। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ने रविवार को प्यार बांटते चलो अभियान की शुरुआत की। शहर के नेताजी चौक स्थित रोटरी आई हॉस्पिटल में गरीबों व जरूरतमंदों को क्लब की ओर से 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट का उद्घाटन रविवार को क्लब के जिलापाल राजन गंगोद्रा के साथ क्लब के अध्यक्ष राजन जैन, सचिव रवि चुड़ीवाला ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसकी शुरुआत के साथ ही पहले दिन रिक्शा चालकों के साथ भिक्षाटन करने वालों ने क्लब के इस अभियान का हिस्सा बनकर 5 रुपए में भोजन किया। अभियान की शुरुआत होते ही 5 रुपए में भोजन करने वालों की लंबी लाइन लग गई। इस मौके पर रोटरी क्लब के राजेंद्र बगेड़िया, विजय सिंह, अजय जैन, नवीन सेठी, चरणजीत सिंह सलूजा, प्रमोद कुमार, शिवप्रकाश बगेड़िया, ब्रह्मदेव बर्नवाल, डॉक्टर तारकनाथ देव, अनिल मिश्रा सहित कई सदस्य मौजूद थे। आज हमने नया अभियान शुरू किया है रोटरी प्यार बांटते चलो, इसमें हमारे जिलापाल रोटरी 3250 के किया है और अपने हाथों से पिता कार्ड के अभियान का शुरुआत किए। इसमें हम गरीब वृद्ध लाचार को दोपहर का खाना मुफ्त में मुहैया कराएंगे और यह अभियान सालों तक चलता रहेगा। बहुत खुशी का पल है,
हथियार बांटते चलो का ऑफिशियली जो है इनॉग्रेशन हमारे जिलापाल जो है पूरा बिहार झारखंड के रोटरी के जिलापाल श्री राजन गंगोत्रा जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे रोटेरियन सारे यहाँ पर मौजूद हैं और सारे परिवार बच्चों के साथ आए हैं और आज संडे भी है, लोगों को भोजन करवा रहे हैं और एक असीम सुख और प्रसन्नता का माहौल है यहाँ पे। और गिरिडीहवासियों से मैं कहना चाहूँगा आप भी इस मुहिम में जुड़े, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक रविवार को झंडा मैदान में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सोनित कुमारी यादव ने की। बैठक में 8 सूत्रीय मांग पत्र पारित किए गए। राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सोनी कुमारी यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में महासंघ के अशोक कुमार सिंह, प्रयाग प्रसाद यादव, अमरदीप निराला, संजय यादव, पार्वती सोरेन, अंजनी कुमारी, जयश्री जुगनू, मोनिका कुमारी, यास्मिन खातून, प्रियंका कुमारी, रिंकू कुमारी सहित गुड्डा, दुमका, धनबाद, चतरा एवं कोडरमा व गिरिडीह से पोषण सखियों ने भाग लिया। बैठक में 8 सूत्री मांग प्रस्ताव पारित किया गया एवं संघ के राज्य कमेटी में निम्न रिक्त पदों को भरा गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सरकार हमें मानदेय कम देती है, जबकि एक ही छत के नीचे तीन प्रकार के कर्मी काम करते हैं, सहायिका, सेविका और पोषण सखी, सभी का वेतन अलग अलग है। सरकार से मांग करते हैं कि सभी को एक समान वेतन दे। सरकार से हम लोगों को बहुत सारी मांगे हैं हम लोगों के लिए। सरकार से पहली मांग तो ये है कि आंगनबाड़ी में तीन बहनों को बहाली किया गया है, तो सरकार जो दो बहनों को दे रही है, जो भी मानदेय दे रही है, सरकार से यही मांग है कि हम लोग को भी उतना ही दिया जाए, क्योंकि सरकार सबसे समान काम करवा रही है। जब सरकार सबसे समान काम करवा रही है तो समान वेतन देना चाहिए। आज सब हर किसी को ड्रेस कोड मिल चुका है, लेकिन हम लोगों के पास ड्रेस नहीं मिला है। सरकार से यही कहना है कि हम लोगों का भी बीमा किया जाए, हम लोगों को भी ड्रेस दिया जाए, और भी जो सुविधा सरकार आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका दी या सहायिका दी बहनों को दे रही है, वो हर ये मतलब सुविधा सरकार हम लोगों को भी दे, क्योंकि सरकार जो भी हम लोगों से काम करवा रही है, जो भी काम हम लोगों को दे रही है, हम लोग कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, तो फिर सरकार हम लोग के साथ ये अलग व्यवहार क्यों करी है। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक रविवार को महासंघ भवन में हुई। बैठक में आगामी 10 व 11 नवंबर को आयोजित अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के निर्णय को स्थगित किया गया। झारखण्ड राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक वशिष्ठ कुमार सिंह की अध्यक्षता में 8 नवंबर को महासंघ भवन गिरिडीह में हुई। बैठक में कहा गया कि लगातार हो रहे प्राथमिकी एवं एकमुश्त सोलर लाइट की राशि जमा करने को लेकर विवश होकर 10 नवंबर को प्रदर्शन, 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाना था, लेकिन 7 दिसंबर को उपायुक्त प्रकोष्ठ में उपायुक्त के साथ वार्ता हुई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी और धीरे धीरे किस्तवार पंचायत सचिव पैसा जमा करेंगे। कहा गया कि न्यायालय के फैसले के बाद कार्रवाई होगी। वहीं दूसरा मुद्दा, पंचायत में खूब खुदाई से पहले सामग्री करें। बैठक में सर्वसम्मति से वार्ता बिंदु पर सराहनीय प्रकट करते हुए तत्काल आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। बैठक में केंद्रीय कमेटी, राज्य कर्मचारी एवं समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारी मजदूर विरोधी नीति के विरुद्ध पुरानी पेंशन योजना बहाल करने सहित तमाम अनुबंध संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, सभी विभागों में नियमित सेवा की गारंटी को लेकर विरोध सभा 26 नवंबर को महासंघ भवन कचहरी प्रांगण में सफल करने का फैसला लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार, रूपलाल महतो, तैयब अंसारी, जानकी महतो, इंद्रजीत महतो, लक्ष्मण प्रसाद, सुमित कुमार पांडे सहित कई लोग उपस्थित थे। सचिव इस जिले के अपने सम्मान की रक्षा के लिए 10 तारीख को प्रदर्शन कर 11 तारीख से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाने वाले थे। कल ही संध्या 6 बजे उपायुक्त के साथ महासंघ और पंचायत सचिव के संघ के पदाधिकारी के साथ वार्ता हुई। मुख्य बिंदु था कि FIR क्यों हो रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि हमको पता नहीं था FIR कैसे हो गया, लेकिन अगर FIR हो गया है तो अब FIR नहीं होगा, लेकिन एक शर्त है, ये लोग हाईकोर्ट गए हैं तो हाईकोर्ट से कोई रोक भी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में किस्तवार ये लोग पैसा जमा करेंगे, जब हाईकोर्ट का जो ऑर्डर होगा सबको मान्य होगा। तो यानी कल ये तय हो गया कि किसी पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होगा, पंचायत सचिव किस्तवार पैसा 15,000-20,000 रुपये महीना जमा करेंगे, क्योंकि एक एक पंचायत सचिव को 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख है, घर बेच के भी देगा संभव नहीं है,
इसलिए इस बात पर सहमति हुई। दूसरा बिंदु था कुआं का। कुआं के बारे में एक निर्देश चला गया था, वीडियो साहब सबको दबाव दे रहे थे, कुआं बाद में खोदाएगा, पहले सामग्री खरीद लीजिए। हम लोगों ने आपत्ति किया कि कुआं खोदाएगा नहीं और सामग्री खरीद के कहाँ रखेंगे, साइड पर रखेंगे, सामान चोरी हो जाएगा, प्लस हम एडवांस लेकर सामान खरीदेंगे और कुआं अगर हार्ड रॉक निकल गया, कुआं बनवे नहीं किया, तो फिर वो सामान हम कहाँ जाके बेचेंगे। जब इन सारी बातों को अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा तब ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि सामग्री खरीदने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये सब बातें हैं तो इस पर विचार करेंगे। हम लोगों ने अपने पंचायत सचिव को भी साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई भी पंचायत सचिव जब तक कुआं नहीं खरीदेगा तब तक कोई भी सामग्री नहीं खरीदेगा, नहीं तो उस पर जिम्मेवारी उनकी हो जाएगी, क्योंकि एक एक पंचायत सचिव चर-चर पंचायत के चार्ज में है, और अगर वो कहीं जाके रात में जोग नहीं सकते हैं, कोई सीमेंट लेके भाग जाएगा, कोई छड़ लेके भाग जाएगा, कोई ईटा लेके भाग जाएगा, और लास्ट में पदाधिकारी वीडियो को कुछ नहीं होगा, सभी पंचायत सचिव पर FIR होगा, फिर ये स्थिति होगा कि आप पैसा जमा कीजिए जो फालतू पैसा है। इसलिए इसी परिस्थिति में आज का बैठक हम लोगों ने निर्णय के लिए बुलाया था, जो उपायुक्त से वार्ता हुई थी, तमाम सदस्यों के बीच में यह सहमति बनी कि तत्काल इस आंदोलन को स्थगित किया जाए। बेंगाबाद प्रखंड के संसाधन केंद्र में पंचायत साक्षरता प्रेरक संघ की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा अनुबंध कर्मियों की मांगी गई सूची दी गई। बेंगाबाद प्रखंड परिसर स्थित संसाधन केंद्र में पंचायत साक्षरता प्रेरक संघ की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित प्रेरक जयप्रकाश वर्मा ने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के द्वारा अनुबंध कर्मियों की एक सूची मांगी गई। पूर्व में प्रत्येक पंचायत में जो दो प्रेरक महिला एवं पुरुष प्रेरकों का चयन किया गया था, उन सबों की एक बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व के संघ के अध्यक्ष चिरंजीवी राम को हटाकर गणेश शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही कमेटी में तत्काल 2000 जमा करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित सभी प्रेरकों की एक सूची तैयार की गई, जिसमें उनसे संबंधित जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर अंकित कर हेमंत सरकार को सौंपी जाएगी। आज हम लोग पंचायत साक्षरता प्रेरक संघ की एक बैठक आहूत की गई, जो हम लोग पूर्व में प्रत्येक पंचायत में दो प्रेरक महिला पुरुष का चयन किया गया था। इस बार अभी हम लोग अनुबंध कर्मी की सूची हेमंत सरकार के द्वारा मांगा गया है। हम सभी प्रेरक जो कार्यरत थे पंचायत स्तर पर, वो सूची हम लोग आज बनाने के लिए इस बैठक में हम लोग बना रहे हैं, और यह सूची हेमंत सरकार के पास भेजने का लिए हम लोग आज प्रेरक यहाँ पे बैठक करते हुए अपने आंदोलन के विषय में लगातार संघर्ष जारी है, जिसके माध्यम से सरकार हमें अनदेखा कर रही है, उसके माध्यम से अपनी सूची बनाकर उन तक पहुँचाने के लिए बैठक की है। मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णानगर से लेकर जसपुर का स्थायी रोड की स्थिति काफी जर्जर हो गई है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णानगर से लेकर जसपुर का स्थायी रोड की स्थिति काफी खराब है। लोगों का कहना है कि सड़क के जर्जर रहने के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने कहा कि वे रोड छोड़कर रोड के नीचे चलने को मजबूर हैं। पूर्णानगर से जो सड़क की मार्ग गया है कुरमुंडा तक, काफ़ी जर्जर है, 10 साल से खराब पड़ा हुआ है, पूरा गड्ढा रोड में हो गया है। हम लोग को मजबूरन रोड के किनारे टाण से हम लोग को गुजरना पड़ता है, गड्ढा नाला से। इसमें किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस सड़क में ध्यान दें और सड़क को बनाएं। पूरा पूर्णानगर से राम मंदिर से पिपराटा तक जाते हैं, और पूरा 10 साल से जर्जर है, मतलब चलने लायक नहीं है। आप देख सकते हैं कचिया रास्ता इधर से पार हो रहा है, टेम्पू रोड पे नहीं पार हो रहा है। बस यही समस्या है हम लोग का, टीकाटार से पूर्णानगर आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। जो है सो आवागमन होते रहता है, लेकिन ये रोड जो है सो विगत 10 वर्षों से जर्जर हो चुकी है। आने जाने का साधन जो है सो जर्जर हो चुकी है, गाड़ी पलटने का भी खतरा रहता है, और आए दिन एक्सीडेंट का भी जो है सो खतरा बना रहता है। मैं आने जाने में लोगों को काफ़ी हद तक दिक्कतें होती हैं, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह रोड का ऐसा कोई कण बाकी नहीं है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। और मेरा मानना है कि रोड पर जल्द से जल्द मरम्मत करवाया जाए, या तो नया इसके लिए बनाया जाए, ताकि यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को तरह से कोई तरह का खतरा ना हो, एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते रहते हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त।
नमस्कार।